गुड मॉर्निंग गाइस, केम छो, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है, हम जा रहे हैं बंगाली रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। तो एक्चुअली उनका एक साल पूरा हुआ है, तो कुछ एनिवर्सरी रखा है, तो उसमें 50% ऑफ है। तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं, पर उसमें क्या था कि आपको दो दिन पहले आपको बुक कराना था टेबल, तो हमने ऑलरेडी करा दिया था। और ये एड्रेस आता है भोपाल में आता है, एग्जिट तो हमें भी नहीं पता है, मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा और वहाँ जाके मैं आपको फूड भी बताऊंगा कि बंगाली फूड कैसा होता है। अगर जो बंगाली देख रहे हैं वीडियो उनको तो पता ही होगा, पर जो नॉन बंगाली है उनको भी पता चल जाएगा कि कौन सा डिशेज आता है बंगाली में। जैसे मैं गुजराती हूँ तो मेरे लिए एक्सपीरियंस एकदम नया ही है। तो चलिए वहाँ चल के ही देखते हैं क्या क्या है और आपको भी दिखाते हैं वो पूरा फूड कि कैसा फूड है और उसका टेस्ट कैसा होता है। जैसा बना के रखा है बेसन में डाल के, तो उसी का है। तो चलिए पहले टेस्ट करके फिर आपको बताते हैं। ये फिश फ्राई है, फिश फ्राई करते रहो। ये ना पूड़ी है और ये है मटन। ये पूड़ी है और पूड़ी को ना ये लुची कहते हैं। ये है मटन, ये फिश है, चिकन, ये चिकन है, ये पात है, इसको क्या बोलते हैं? फिश पातूरी। खोलिए बताओ कैसा है? फिश पातूरी। खोलो खोलो, दिखाते हैं आपको कैसा लगता है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ। इसको ऐसे खोलना पड़ता है, ये स्टीम से बनता है, इसमें सरसों का मसाला होता है और मिर्चा होता है। फाइनली हमें लास्ट में दोनों को दो दो मिला था, तो उन्होंने एक ही लिया मैडम ने और एक मुझे दे दिया, तो अपने पास हो गए थे। और रसगुल्ला अपना है फेवरेट। आपका ये एड्रेस क्या आता है? सेलिब्रेशन सिटी सेंटर, C208-209 साउथ भोपाल। और नाम क्या है? भोपाल पुलिस स्टेशन, सौंदरुचि एंड पांडा टाउन। ओके, थैंक यू। नाम है सौंदरुचि बंगाली एंड पैन एशिया। तो आप देखिए ये वाला जो मॉल है ना, एग्जैक्ट उसके सेकंड फ्लोर पे ही है, ठीक है। ये कुछ नाम है, देख लीजिएगा, यहाँ से आपको आना पड़ेगा। चलो, तो हमने लंच तो कर दिया है और बारिश चालू हो गया है, तो फटाफट बेसमेंट में चलते हैं। गाड़ी हमने नीचे रखा था, तो बहुत ही अच्छा फूड था। अगर कोई बंगाली अगर देख रहा है वीडियो और अगर उनको आना है ना तो आ सकते हैं, और नॉन बंगाली लोग को भी अगर एक्सपीरियंस करना है बंगाली फूड का तो वो भी आ सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे बेसमेंट में गाड़ी में, फिर गाड़ी में जाके आपसे बात करते हैं।
गाइस फाइनली मैं घर पे आ गए हैं। तो क्योंकि रास्ते में तो बारिश हो रहा था तो वीडियो बनाने का ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि पानी भर गया था कोई कोई जगह पे, तो इसीलिए थोड़ा ऐसा लग रहा था कि चलते ठीक है घर जाके बात करेंगे। तो फाइनली हम रेस्टोरेंट में जाके खा के आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और नॉनवेज लवर है उनको शेयर कर दीजिए ताकि अगर उनको भी पता चले तो वो भी यहाँ जाके फूड का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि प्योर बंगाली था। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप अहमदाबाद में हो, आपको ऐसा ही लगेगा आप कोलकाता में घूम रहे हो। एक टाइम पे हमें ऐसा ही लग रहा था कि हम कोलकाता में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो बेस्ट क्वालिटी था और एकदम हाइजेनिक था और एकदम साफ था, तो बहुत अच्छा था। तो आप एक बार ट्राई कीजिए ज़रूर से। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एटमॉस्फेयर भी अच्छा था और एकदम प्रॉपर आपको बंगाली फूड मिलेगा, क्योंकि वो खुद बंगाली से ही थे, तो आपको अच्छा फूड मिलेगा। अगर आप बंगाली है या फिर नॉन बंगाली है, फिर भी अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो प्लीज़ वहाँ एक बार विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छा है। और वो जो स्टाफ था उनका पूरा फैमिली है, बार बार आके पूछ रहे थे कि आपको फूड कैसा लगा, अगर कुछ और चाहिए तो सर्विस तो एक नंबर था, उसमें कोई सवाल नहीं था। तो आप भी श्योर एक बार विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैं उनका एड्रेस और उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ऐसा हो तो अगर आप संडे को जा रहे हो तो एक बार टेबल बुक कर दीजिएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट जाएंगे तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और पहले से बोलेंगे तो आपको बुक रहेगा। तो कुछ ऐसा ही था ये वीडियो में, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।